हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं वह पीए फर्स्ट सेम के जो आप अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, कल आपका हिस्ट्री का पेपर है, तो सभी के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। और चलिए इसी के साथ आपकी वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में जो कंटेंट लेकर आए हैं, इससे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के आपके वैसे क्वेश्चंस अपलोड कर चुके थे, लेकिन अब ये हमने खुद से आपका एक क्वेश्चन बैंक बनाया है और इसमें 19 से 20 तक आपके हमने क्वेश्चंस लिए। और यहाँ पर वही क्वेश्चंस हमने लिए हैं जिनकी आपकी 100% उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हमने आपके उठाए हैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथ में आपके जो आने वाले हैं अब क्वेश्चंस, उनको मिलाकर आपका ये एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और बी एस सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस डी एस यू के क्वेश्चन बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस के इसको शेयर करेंगे, तो ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर के क्वेश्चंस है सभी स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर शेयर करें, और जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कि बेल आइकन हिट कर लीजिए, जिससे आगे जो वीडियो बनेंगी हिंदी का भी पेपर रह रहा है इसके बाद, तो आप तक वो वीडियो पहुँचे। और लाइक तो बनता है, वीडियो शुरू हो चुकी है, कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन बैंक। इसमें जो हमने पहला क्वेश्चन आपका दिया है, पहला है राजनीति विज्ञान है अथवा कला विश्लेषण कीजिए। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये वाला इम्पोर्टेंट है या फिर ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये 19 से 20 जो क्वेश्चन हैं इनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके 50 अबाव आराम से बनेंगे। और आपको मालूम ही है 25 का इंटरनल था, 25 इंटरनल में 15 तो हर एक स्टूडेंट्स ने ले ही लिए होंगे, तो 65 आराम से आपके बन जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। अगर आपको इसका इंग्लिश भी चाहिए तो इंग्लिश में भी कल आपको अपलोड कर देंगे, लेकिन फिलहाल आप हिंदी का इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका पारंपरिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर 19 में भी अगर आपको लगता है कि यहाँ मुझे कुछ इम्पोर्टेंट और नहीं बताने चाहिए कि ये वाला इम्पोर्टेंट जा सकता है, कुल क्वेश्चन आपको पता ही है कितने नंबर के आपके आने हैं, 6 और यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन आपके आते हैं। और जब आपको 19 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 100% मैं कह रही हूँ कि बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान एवं इतिहास के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन राज्य की उत्पत्ति से बन रहा है, फिर यहाँ पर राजनीति विज्ञान, फिर यहाँ पर राजनीति विज्ञान। अब यहाँ पर जो हमने लिया गया है दोनों का संबंध बताएं। यहाँ पर पारंपरिक राजनीति विज्ञान लिया गया है, यहाँ सिर्फ पूछा गया है राजनीति विज्ञान क्या है या फिर वो कला है या फिर विज्ञान है, यहाँ पर आपको समझाना है। फिर यहाँ पर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप एक तो लोकतंत्र का अर्थ कीजिए, उसकी परिभाषाएँ कीजिए और साथ में इसके जो विभिन्न रूप हैं उसके बारे में आप जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। अब आ गया है यहाँ पर राज्य, राज्य की उत्पत्ति, राज्य में से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। जो मैंने राज्य के आपको पहले भी बताए हैं वो भी आप तैयार कीजिए और ये वाला भी आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हम चल रहे हैं राजनीति विज्ञान एवं इतिहास के मध्य संबंधों पर प्रकाश डालिए। अब ऊपर तो सिर्फ पूछा गया था कि राजनीति विज्ञान कला है क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इतिहास के साथ इसका क्या संबंध है, इतिहास के साथ संबंध, अर्थशास्त्र के साथ संबंध, समाजशास्त्र के साथ संबंध, तीन टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से संबंध इनका ज़रूरी पूछा जाता है राजनीति विज्ञान का। अब आगे आगे हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब देखिए राजनीति विज्ञान का परिभाषा अर्थ आ गया, फिर यहाँ पर राजनीति विज्ञान अथवा कला है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं। आज एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि मैडम शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दीजिए, तो आपको बता दें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वही लॉन्ग में से निकल कर आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका राजनीति विज्ञान अर्थ व परिभाषा साथ ही आपसे इसके साथ अटैच करके ये भी पूछ सकता है, ऊपर वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विवेचना कीजिए या फिर सामाजिक न्याय क्या है। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य के बारे में बताना है और ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, पारंपरिक राजनीति विज्ञान राज्य की उत्पत्ति, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ राज्य की उत्पत्ति पूछा है, यहाँ पर कल्याणकारी राज्य पूछा, यहाँ सामाजिक न्याय पूछ लिया, फिर शक्ति के स्रोत स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, शक्ति जरूर आएगी, इसको जरूर तैयार कीजिएगा।
नेक्स्ट आपका जा रहा है बहुलवाद के मौलिक अधिकारों आधारों की व्याख्या कीजिए। बहुलवाद से भी क्वेश्चन हर बार जरूर पूछा जाता है। फिर यहाँ पर राज्य के तत्वों को समझाइए। यहाँ पर मैंने कल्याणकारी राज्य ले लिया सिर्फ आपका, और यहाँ पर क्या लिया है, राज्य के तत्व क्या है, राज्य का अर्थ समझाइए, राज्य की परिभाषा दीजिए, राज्य से संबंधित मैंने कहीं यहाँ पर प्रश्न लिए हैं कि आपका कोई भी एक भी टॉपिक आपका स्किप ना हो, इस वजह से सारे क्वेश्चन राज्य से मैंने उठाए हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर उदारवादी राज्य से आप क्या समझते हैं, उदारवादी राज्य की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो उदारवादी राज्य के बारे में भी पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर आपको कल्याणकारी राज्य भी पढ़ना है, चलिए आगे देख लेते हैं। फिर है राज्य के कार्यों के संबंध में उदारवादी सिद्धांत की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए उदारवादी में मैंने कुछ नहीं छोड़ा आपका, अब इससे बाहर क्या बनेगा आपका क्वेश्चन, इससे बाहर उदारवादी से कुछ नहीं बन सकता। अगर उदारवादी आता है तो 100% यहाँ से ज़रूर बनेगा। टॉपिक से टॉपिक आप पढ़िए तो टॉपिक से ही आपके क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। चलिए आगे चल देख लेते हैं। राज्य के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की विवेचना कीजिए। अब यहाँ पर देखिए राज्य के कार्यों के संबंध में उदारवादी यहाँ पर पूछा मैंने, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया, अनिवार्य और ऐच्छिक। ठीक है, तो हमने साथ साथ आपको अनिवार्य और ऐच्छिक के बारे में भी पूछ लिया और साथ में आपके उदारवादी के बारे में भी पूछ लिया। तो इस प्रकार से आपके सारे यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं पॉइंट्स राज्य से संबंधित। अब आगे देख लेते हैं, आधुनिक युग में लोक कल्याणकारी राज्य के जो हैं अभ्युदय के कारणों की विवेचना कीजिए। अभ्युदय यानी कि जो शुरुआत हुई, जो आधुनिक में लोक कल्याणकारी राज्य है उसका जो शुरुआत हुई यानी कि जो उसका उद्भव हुआ वह किस प्रकार हुआ और उसके कारण क्या रहे, उसके कारणों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रश्न मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 17 क्वेश्चन क्या जा रहा है। 17 है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में समझाइए। तो ये प्रश्न भी मुझे लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जाने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चलते हैं 18 की तरफ। 18 में है आपका लोकतंत्र के विभिन्न प्रतिमानों का संक्षिप्त विवरण आपको प्रस्तुत करना है। तो लोकतंत्र का देखिए मैंने आपको ऊपर भी लिया है क्वेश्चन, लोकतंत्र का यहाँ पर देख लीजिए ऊपर, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र के विभिन्न रूप। अब लास्ट में क्या पूछा है मैंने आपसे कि लोकतंत्र जो है उसके विविध प्रतिमान क्या हैं, तो उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ मैंने तो आपसे संक्षिप्त पूछा, हो सकता है आपसे ये विस्तृत पूछ लें, तो इसके प्रतिमान आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है आपका दबाव समूह का अर्थ और प्रकृति को समझाइए। दबाव समूह, इससे पहले जब मैंने आपके क्वेश्चंस अपलोड किए थे वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि दबाव समूह को मत छोड़ना, दबाव समूह को जरूर तैयार करना, वहाँ से आपका क्वेश्चन 100% ही बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपके 19 क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, ज़रूर करिए और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। अब मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस के जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ उससे बाहर तो अब कुछ नहीं जाने वाला, तो तैयार करिए और हमारे बेस्ट विशेस के साथ वीडियो ही और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी सेंड कीजिए। और हिंदी मेरे से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली वीडियोज़ के लिए अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए।